लेटाया गया और एक काली रंग की गोली पान के पत्ते के रस में और हाँ पान के पत्ता और शहद में डाल करके उनके उंगली से मुंह में पूरा वो डालेंगे किसी तरह वो हो, और चार बार किए, चार घंटे में वो औरत कम से कम 15-16 साल जिंदा रही। उनका रूह कलिया गोलिया वो तो आयुर्वेद हाँ देखिए कोई योग नहीं, कोई योग नहीं। बात समझिए ना आप, ये फिर यही फिर गलत बोल रहे हैं ना आप। आप कह रहे हैं कोई योग नहीं, मेरे आंख देखी हुई चीजें बता रहे हैं आप। समझ लीजिए, मैं पहले मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा है ना कि आयुर्वेद में जितने नुस्खे होते हैं ना उसको योग कहा जाता है, समझ रहे हैं? आयुर्वेद का विधान है कि जितने नुस्खे हैं, जैसे पान मिलाया, ये जो आपने बताया, उसको योग कहा जाता है। अच्छा, और उसको योग कहा जाता है। योग का मतलब सिर्फ पतंजलि वाला अष्टांग योग ही नहीं होता है। अच्छा। मंत्र योग भी होता है, तंत्र योग भी होता है, यंत्र योग भी होता है, ध्यान योग होता है, कर्म योग होता है, ज्ञान योग होता है, संन्यास योग होता है, समझ गए? हाँ, नहीं तो इनको योग कहा जाता है। जानते भी थे। तो जो भी जो किया जाता है, जैसे कि कुछ हम बना दिए, मान लीजिए नीम मिला दिए, बबूल मिला दिए, योग का मतलब होता है मिलना। जब हम किसी भी चीज़ को मिला देते हैं ना तो वो योग कहलाता है। वाह भाई, समझ गए? गणित में भी योग होता है, जब हम जोड़ते हैं 5 जोड़ 4 3 4 जिसको जो करते हैं ना उसको योग कहा जाता है। जी, तो योग जब हम मिला देते हैं, जब हम पान को मिला दिए और उसमें हम चूना डाल दिए, कुछ डाल दिया, उसके बाद उसको खिला दिए, तो योग हो गया वो। अच्छा, हाँ, यही हम लोग भ्रमित हैं, इसी चीज से भ्रमित है मान साहब। तो आप कहते हैं कोई योग नहीं, तो ऐसा किसी ने बात नहीं है। योग है, योग का मतलब मिल जाना होता है। तो जो यथार्थ ज्ञानी होता है वो जानता है क्या चीज मिला देंगे तो क्या चीज इसका ठीक हो जाएगा। मैंने उनकी देखी बाबा की अपने। तो जो आयुर्वेद का जानकार है, जो वैद्य है, आप बताए ना वैद्य है, तो जो वैद्य है वो उसका मतलब है कि उसको योग का पता है। सब कुछ किए, हम लोगों को भी नहीं बताए वनस्पति, क्यों नहीं बताए? नहीं, आप ये कहिए कि हमने कुछ भी नहीं सीखा। बहुत अपने नहीं है, हम कह रहे हैं कि हम अगर मान लीजिए कि हम नहीं सीखे, मगर संगठा बड़का बाबू एकदम 24 घंटा कहते थे कि हाथ पर लैट्रिन करिए हमारे। इस ढंग से हमारे बाबा की सेवा होती थी, और हमारे बाबा के तीनों लड़के नौकरी करने वाले थे, और बाबा की हमारी जितनी सेवा भैया गांव में किसी की नहीं। मगर वो कहें कि हम तो कोई सोना बना के दे के मुँह, अब तो कोई सोना बना के दे दे, बिल्कुल का करवा लोगों ने, मगर उन्होंने कुछ किया बताया ही नहीं। सांप पकड़ लेते थे, उसमें बंद कर लेते थे। बनारस में एक कोई सेठ था, उसकी लड़की को कोर हो गया था, बहुत जगह इलाज किए थे। कोई बताया कि चले जाइए बेलासो गांव में फलाने पंडित के यहाँ, आप चले जाइए ठीक हो जाएगी। वो आए भैया, उस कुछ नहीं, हनुमान के समन्वय में एकदम आँख देखल बात बता रहे हैं, बांस का सुपेली के फूंक देना, मगर उसके सामने नहीं फूंकना, बांस की सुपेली को फूंक दिए, और फूंक देने के बाद अपने उसमें से कुछ निकलना, बहुत छोटी डिबिया में रख ले रहना, वही मौके मिला देना, और कड़ुआ तेल मिला करके और के लेप लगा के कहने की यही का लेप लगा दीजिएगा, मगर इस लड़की से कह दीजिएगा कि लहसुन प्याज जब तक हमारी दवा रहेगी तब तक नहीं खाएगी, ठीक ना? जब तक हमारी दवा खाएगी तब तक ना मांस मछली लहसुन प्याज ये नहीं खाएगी, और ये दवा 1.25 महीने तक लगाइएगा, 6 महीने बाद हमारे पास वापस आइएगा। 6 महीना के बाद वो कुल मार रुपया पैसा आपको लेकिन वापस कर दिए कि नहीं पैसा नहीं चाहिए, पैसा लेके जाइए, आपकी लड़की ठीक हो गई, आप शादी करिए, ब्याह करिए। कुल नहीं घंटा रोनो सुन तक कहना कि शादी कर लिया तब हम रही किए नहीं आ। फिर वो सब भाई सुसुरन सुन के लुक आ गए तो तुरंत कर ले जा ब्याह, फिर वो तुरंत शादी करके फिर तुरंत ही ना तब तक बाबा एक्सपायर हो गए थे। एक विकलांग लड़का था, पापा के साथ हमारे नौकरी करते थे, उनका लड़का पूरा पैरालाइसिस था, और रतनजोत और कड़ुआ तेल और अरंडी का तेल, यही तीन चीज, और जवन उमन पाउडर वहाँ मिला हुए ई केहू के ना बताऊ, यही सब हम लोग नहीं जानते थे। और ओके लगावे शुरू कही ना, और वो लड़का धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा।
से आप लोग कहते हैं ना कि वो नहीं बताए किसी को, तो उनको कोई सुपात्र नहीं मिला होगा उनकी नज़र में। पात्रता का जो मापदंड होगा उस पर कोई खरा नहीं उतरा होगा। हमारे पिताजी लोग कुछ आपके इसलिए वो पापा किसी को नहीं बताए होंगे। आपके यहाँ हमारे पापा यहाँ आए हैं, हमारे गांव के हमारे पिताजी और पारस सिंह आपसे मिले, हमारे घर गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ हमारे पिताजी आपसे मिले हैं, हम जानते हैं। हमारे हमारे ना कहानी की तीनों बहरे हैं, एक बार समुआ को रुके थे हमारे यहाँ हमारे पिताजी ना, तो लंबे वाले निरस्त जीवन में एक महात्मा है, समझ लीजिए। सब्जी में अगर नमक नहीं पड़ा है तो वो आपसे नहीं कहेंगे कि सब्जी में नमक नहीं पड़ा है। अगर भोग लगा देना वो खाना का, तो आपसे ये नहीं कहने जाएंगे कि दुल्हन तुनून में मन ना डल रहे हो। मर्चा पड़ गल तीत हो गल तो पानी मिला के खा ली हैं, बाकी ये ना कहे जाइए कि सब्जी आज तीत बनल है। सब तीनों लड़कों की उनकी यही आदत थी, बीमार रहेंगे पैर दर्द करता रहेगा मगर ये कभी नहीं कहेंगे इतना जमा दबा डाल। हमहन का अपने से उनके बचाई ले जाए, रोज हम एक दिन तक पूरा लोटा उटा लेके दौड़ो न हमें मारे खाते हैं, हमारी उम्र मार खाने की। आज से 15 दिन पहले कितनी ठंडी थी, अब जा रहे हैं गंगा जी नहाने, उम्र है 90 से ऊपर गई ना, नहा के ही ना, डेली का नियम है 3 घंटा 4 घंटा स्तुति करना, 5 माला जपना, ये करना वो करना, इसके बाद ही। अब ऐसे पुत्र को कोई नहीं बताएगा, खाना 2 तरह का बनता है हमारे घर में, हम लोग के लिए लहसुन प्याज का बनता है, उनके लिए बगैर लहसुन प्याज का बनता है। आप जो है ना, हर कोई पात्रता अलग ढंग से आता है ना, आप सोचते हैं कोई पूजा कर रहा है इसलिए वो पात्र हो गया, नहीं ऐसे उसके लिए पात्र नहीं हो गया, लगन नहीं रही होगी उस आयुर्वेद के लिए, उसका उसने क्या किया बस समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ नहीं नहीं कोई रहा उसी के लिए क्या किया, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के यहाँ कोई गायक है, हाँ उसके यहाँ गया भाई, आपने संगीत के लिए क्या किया है कि वो सिखाएगा आपको? हाँ, ये बात समझ में आ रही है। आप किए होंगे ठीक है, आप हर कोई करता ही है, कोई गाँव में खेती कर रहा है तो खेती के लिए किया है ना उसने, उसके लिए उसकी निष्ठा है, इसके लिए आपने क्या किया है? हर एक व्यक्ति को उस क्षेत्र की निष्ठा सिद्ध करनी पड़ती है, जैसे कोई राजनीति में गया है तो वहाँ उसने किसी पार्टी में खूब काम किया है, उसकी निष्ठा देखा तब ना कभी उसको सोचेगा कुछ इसको कोई पदभार दिया जाए कुछ दिया जाए। तो आपके उसके प्रति जो निष्ठा होती है, हाँ आयुर्वेद के प्रति क्या निष्ठा है, आपकी योग के प्रति क्या निष्ठा है, ध्यान के प्रति क्या निष्ठा है, भक्ति के प्रति क्या निष्ठा है, तो आदमी निष्ठा देखता है ना उसके प्रति। तो उसके प्रति जब निष्ठा देखता है तब देखता है कि अब कितना ये योग्य है, इसको कितना सिखाया जा सकता है। तो जो पारंपरिक लोग हैं ना वो उस ढंग से करते थे, वो विज्ञापन का युग नहीं था कि हर कुछ हर सबको बता दिया गया कि उसमें से जिसको जो योग अपना है वो अपना ले ले। जी जी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें दुरुपयोग भी होते हैं बहुत, समझ गए, विद्याओं का बहुत दुरुपयोग होता है। मनुष्य जितना ज़्यादा भौतिकवादी होता है उतना ज़्यादा वह दुरुपयोग करता है। जी जी, हाँ, क्योंकि वह अपनी कामनाओं के वशीभूत होता है, जबकि विद्या का जो है कामनाओं से मतलब नहीं होता है, विद्याओं का सेवा से मतलब होता है। जी, कामनाओं से मतलब नहीं होता है। तो सेवा जब नहीं रहेगी, कामना उस पर हावी है व्यक्ति पर, तब तो वो उसका दुरुपयोग ही करेगा ना। तो विद्याओं की सेवा से मतलब होता है, सेवा जब देखता है कि नहीं ये सेवा कर सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जब आए थे यहाँ विरजानंद के यहाँ वाराणसी में, तो बहुत जगह गए लेकिन सब ने कहा नहीं कि व्याकरण के जो है आचार्य तो वही है। तो यहाँ पर जब आए तो उन्होंने कहा किस लिए सीखना चाहते हो? व्याकरण सीख कर कोई टीचर भी बन जाएगा, कोई शिक्षक बन जाएगा, कोई कमाएगा, कोई क्या करेगा। तब उन्होंने बताया कि भाई सनातन धर्म के लिए ही हम सीखना चाह रहे हैं, सनातन धर्म के रक्षार्थ, सत्य के रक्षार्थ। तो वैसे के लिए ही उन्होंने वो दिया।
समझ रहे हैं। तो आप क्या किस लिए करना चाह रहे हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है ना जी। हाँ सीख तो लेंगे, बहुत लोग सीख लेते हैं, इतने लोग कुछ योग सीख लिए हैं, अब स्कूल खोल दिए हैं, कॉलेज खोल दिए हैं, इंस्टीट्यूट खोल दिए हैं, लोगों को झूठ सच बतला करके और पैसे ऐंठ रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे संस्थाएं खुली हुई ना पूरे विश्व भर में जी जी। तब तो कितना दुरुपयोग हो रहा है, उल्टा पुल्टा कुछ भी बता रहे हैं, किसी कुछ बिगड़े बने से कोई मतलब नहीं है। तो योग का भी नुकसान कर रहे हैं वे, योग विद्या का पूरा वे नुकसान करते हैं, अपमान करते हैं पूरा एक तरह से। हर आदमी तो देख ही नहीं रहा है, पतंजलि वाले एकदम कहीं भी कैंप लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया मिल रहा है। हाँ तो वो तो एक नुकसान हुआ ना, योग विद्या का नुकसान हुआ। हमें आदर्श देखना चाहिए ना, क्या पतंजलि जी ने ऐसा कभी किया था? हमें जब उस विद्या के जो मूर्धन्य आचार्य रहे हैं, हमें पहले वह देखना पड़ेगा ना, क्या उस व्यक्ति ने कभी किया था ऐसा? नहीं किया था तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के उस विद्या के परिपाटी से हम हट करके करते हैं, इसका मतलब है कि उसके हम विरुद्ध जा रहे हैं। उन्होंने जो व्रत दिया हुआ है उसके हम विरुद्ध जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो अब जो लोग शिविर लगा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन योग योग का मंत्र का ध्यान का ज्ञान का ये कथावाचक हैं, पैसा लेते हैं। क्या सुखदेव जी कथा सुनाते थे वे पैसा लेते थे? नहीं लेते थे। तब तो इसका मतलब आप उस परंपरा से हट रहे हैं, तो ये आप भौतिकवादी हो रहे हैं, आप संसाधन जुटा रहे हैं। तो जन संसाधन जुटा के उसका दुरुपयोग करेंगे, धन संसाधन जुटा करके उसका दुरुपयोग करेंगे। क्या है वहाँ आपके नागावा में, क्या लड़ाई नहीं हो रही है? लड़ाई हो रही है ना वहाँ, कई गुट बटे हुए हैं ना, तो संतों का वही काम है। हाँ तो वे सब संत कहलाने लायक है? नहीं है, वे संत है ही नहीं, वे तो एक ढोंगी हैं, क्योंकि उसी के नाम पर जो है वे धन जुटा रहे हैं उसके लिए। धन का ही सब काम है वहाँ, सारा उपद्रव धन के लिए ही हो रहा है। अगर उसमें कुछ धन लगता, अगर आप कहते हैं नहीं मुझे इतने लोगों को खिलाना है, इसके लिए चाहिए, तो ठीक है भाई खिलाना है, तो उसके लिए अपना कोई ट्रस्ट बनाओ, फंड बनाओ, बैठाओ समिति को, उसमें खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए तुम जो है मुकदमा लड़ रहे हो, ये कितनी जो है शर्मनाक बात है। मुकदमा की क्या ज़रूरत है? कहीं भी रह लो, अकेले रह लो, भजन करो, भजन ही करना है, ध्यान ही करना है, कहीं भी ध्यान करो, मंत्र करो, जप करो, उतना उपद्रव करने क्या जरूरत है? सब चले के चले प्रभु आपको खाए पी हूँ। हरिओम। तो वो ब्रह्म पशुआ दिवाइयों के लड़कवा के ना? हाँ उसके लिए लाभकारी होगा। तब गुरु जी हम अभी थोड़ा रहने दो, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ दिन ठीक हो जाता तब गाड़ी रिजर्व करके आएंगे, तभी ना आ पाएगी वो। अब वो कैसे आएगी? आप अपना आप अपना कंधे पर भी ला सकते हैं। अरे बैठी ना पाई है, उनके बैठा लो। ठीक है ठीक है, तब अच्छे वो कैसे है अभी महाराज मगर एक ही बार ना लगाना पड़ेगा गुरु जी। अरे तुम 10 फेरा दिया का दिक्कत? अरे अरे बेरोजगार अभी 10 फेर कैसे लिया दी है? अब आप कितनी बार लाएंगे ये आपके ऊपर है, मैं यहाँ बता दूंगा। हाँ आप बताएंगे तो करेंगी, आप वो करेंगी ठीक हो जाएंगी, नहीं करेंगी तो नहीं करने का जो परिणाम होता है वह उनको मिलेगा। मतलब बिना कहवा कि मार्च साहब कि हम गड़िया कर दे देवरा देखा रहे हैं, हम तो पैदल हो मल्सिंग से कहा देते पैदल चल जाओ जी दूर हो जाए गाड़ी का तो।